Actor Adhyayan Suman's debut single has been finally launched. The newly released single called Saareyan Nu Chaddeya showcases choice locations of Goa. Yes, I mean, as far as Saareyan Nu Chaddeya, two things it says. Obviously, it talks about telling the girl that I have left everything for you, I have left everything behind. And where I am concerned, चाहे वो प्रोफेशनली क्यों ना हो, पर्सनली क्यों ना हो, मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ. एक आवाज़ मैंने अपने अंदर एक ढूंढी है जिसे मैं म्यूज़िक के थ्रू बाहर लेकर आ रहा हूँ. सो ऑफ कोर्स इट्स इंस्पायर्ड बाय माय पर्सनल लाइफ. द एंटायर फील ऑफ सारे नु छड़िया इज डेफिनेटली इंस्पायर्ड माय पर्सनल लाइफ. एक्चुअली सर, हम बहुत टाइम से दोस्त हैं और म्यूज़िक में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं. मेरा और अध्ययन का साथ में हमने सेटअप किया आज से 2 साल पहले और फिर हमने कोशिश की कुछ गाने बनाने की और फाइनली अध्ययन ने एक दिन मुझे बोला कि यार करना है, एक सिंगल करना है. बहुत सारे कर लिए हमने, कुछ कवर्स भी किए बट हमने कभी रिलीज़ नहीं किए. सो अध्ययन ने बोला कि कुछ करना है और मैं गिटार लेके बैठा इनके सोफे पे और आई थिंक ये गाना कंपोज हुआ टोटल कुछ 15 मिनट में ये गाना. और सारेयानु छड्या एक थॉट आया दिमाग में और फिर अध्ययन ने मुझे एक और बहुत ही खूबसूरत थॉट दिया कि इसको मैं कैसे ले जा सकता हूँ, किस दिशा में ले जा सकता हूँ. और फिर मैंने बाकी का गाना लिखा और अध्ययन एक ही ऐसे आदमी है जो मुझे फोर्स करते हैं लिखने के लिए, अदरवाइज़ मेरी लिखने में कोई रुचि नहीं है. Adhyayan's father, Shekhar Suman, was also present at the launch and appreciated how his son was trying to reinvent himself after previous failures. As they say that it's not a big deal when you fall. The big deal is you get up and start walking all over again. And so that's what Adhyayan has tried doing. He's a great singer. He's lying, actually. I have been more encouraging than his mother. And I have been telling him. Sir, I will reach what place I will reach, I can't say this to you. लेकिन डेफिनेटली मैंने हमेशा अपने सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरा काम करने का रीज़न पैसा, सक्सेस ऑब्वियसली है बट दैट्स नॉट द सोल रीज़न. मेरे बुरे वक्त पर व्हेन आई वाज डाउन एंड आउट, आई थिंक मेरे माँ बाप ने जो मुझे सपोर्ट किया है अपने लाइफ में, शायद बहुत से माँ बाप नहीं करते. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर इफेक्ट, मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही इमोशनल स्पेस से बाहर आकर आज ये गाना गा रहा हूँ. And if the first priority mere zindagi ka jo first priority hai mere life mein is to make my mom happy, is to make my father happy. Ek bar unhe lage ki shayad they feel proud of me ki main kuch kar raha hu apne zindagi mein, phir main shayad kisi aur ke bare mein sochunga. Adhyayan's first film was Kumar Mangad's Hale Dil. His second film Raaz the Mystery Continues was a box office hit and directed by Mohit Suri and produced by Mukesh Bhatt. Adhyayan's last release was his father Shekhar Suman's directorial venture Heartless. The film was a romantic medical thriller. No sir, T series has launched my song. तो okay. जब बहुत ही funny किस्सा है, जब मैं भूषण सर के पास गया अपना गाना लेकर, तो मैंने उन्हें अपना गाना उनके बड़े मॉनिटर पर दिखाया. उन्होंने बोला very nice, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा गाना है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तुमने गाना किसने गाया? तो मैंने बोला सर गाना मैंने गाया सर, ये मेरा पहला सिंगल है, मैंने गाया है. तो ही सेड ही प्रोबेबली आई डोंट नो ही डिडंट बिलीव दैट इट वाज मी. फिर मैंने उन्हें फिर गाकर 2 लाइन सुनाए, तो बोला हाँ हाँ ये तुम्हारी आवाज़ ही है. तो दे वर वेरी एक्साइटेड, दैट्स द रीज़न व्हाई यू नो टी सीरीज आई एम वेरी थैंकफुल टू देम टू गिव मी सच अ बिग प्लेटफॉर्म ऑफ अ न्यू सिंगर यू नो. बट आई होप दैट एक आर्टिस्ट के लिए सर प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. आई मीन आई कैन कीप क्रिएटिंग म्यूजिक, कीप क्रिएटिंग दिस वीडियोज़, but eventually they have to reach out to the world. It's just like films, if you don't get theaters no one comes and watches your films, you know. So I always be grateful to T series for doing this for me. Okay, haan hum koshish kar rahe hain ki hum apna second single shayad jan mein hum shoot karne wale hain, second week mein, aur fir uske baad mein hum koshish karenge usko feb mein release karne ke liye. So aur wo jo gana hai wo bhi ek bahut different feel hai, bahut different genre hai. So aap ummeed karta hu aap sabko pasand aaye.